दिनेश जी फांसी छोटी सजा है मतलब? मुझे लगता है छोटी सजा तो नहीं है, पर उस व्यक्ति को उतना ही तड़पाया जाना चाहिए जितना एक बच्ची को तड़पना पड़ता है। रेप जिसके साथ होता है वो सिर्फ उसके शरीर से, किसी रूह से, उसकी आत्मा से होती है। तो ऐसे बच्ची को या ऐसे पूरा जीवन तड़पना पड़ता है। मुझे लगता है कि फांसी को दे देंगे तो एक बात में उसे भी तड़पा के ही मारना चाहिए। अमरपाली जी, एक लड़की जिसके साथ रेप होता है उसे भी हमारा समाज गुनहगार की तरह ट्रीट करता है, क्या आपको नहीं लगता कि उसके लिए हम सबको और ज्यादा सोशल कॉज के साथ ऊपर आना चाहिए ताकि इस तरह की फिल्में हो और ऐसी चीजें रुकें? आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, बहुत जानने वाले हैं, आए दिन हम उन लोगों को देखते रहते हैं, रेप विक्टिम्स के एनजीओस के साथ उनके लिए लड़ते हुए। बहुत सारे वकील हमारे देश में ऐसे हैं जो ऐसी लड़कियों के लिए फ्री में केस लड़ते हैं। आई थिंक ऑलरेडी सही दिशा पे लोग बढ़ चुके हैं और हम सब अपने लेवल पर जितनी मदद कर सकें और जितना इस बारे में बात कर सकें, जितना लोगों को सेफ फील करा सकें, बहुत अच्छा होगा, करना चाहिए हर किसी को। आई थिंक ये फिल्म बहुत बहुत कॉन्फिडेंस देगी लोगों को। संकी दरोगा, मैंने जो ट्रेलर देखा और मेरी कहानी भी सुनी है, बहुत अच्छी कहानी है, तो ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। काशी अमरनाथ के बाद कब दिनेश लाल यादव, निरहुआ, आम्रपाली दुबे और रवि किशन एक साथ फिर नजर आएंगे? जैसे ही मौका मिलेगा, क्योंकि मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिलता रहे। रवि भैया हमारे इंडस्ट्री के सबसे अच्छे कलाकार हैं, तो उनके साथ जब भी मुझे मौका मिलता है मैं साथ तैयार रहता हूँ। आगे जब भी मौका मिलेगा मैं। सर, एक तारीख को एक फैसला है कि सिनेमा घर में जो 250-300 रुपए ले जाता है खाने की चीजों का, वो एमआरपी भी हो गया, आपका क्या रिएक्शन है इसके लिए? कितना अच्छा होगा बोलने के लिए? इसकी जानकारी नहीं, मुझको आप फिर से बताइए। 250 रुपए का जो पॉपकॉर्न था वो सेम प्राइस 20-25 रुपए में मिलेगा, या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि जो दर्शक नहीं जा पाते थे कुछ खाने के लिए, कितना अच्छा हो जाएगा बोलने में, कितना आगे जाएगा इसका दर्शक जो है काफी? उससे भी ज्यादा अच्छा हो जाए कि 200 में ही बेचिए, पर वो जो पैसा है वो अगर किसान तक पहुंच जाए जो उसको उगाता है, तो बुराई वहाँ नहीं है कि कोई चीज महंगी बिकती है। खाने पीने की चीज जो किसान उगाते हैं उन तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता है, वहाँ से तो सस्ते में ही आता है, वहाँ तो 2-4 रुपए में वहाँ से खरीद लेते हैं, पर यहाँ लाके 200 में बेचते हैं। मुझे लगता है 200 नहीं 300 में बेच दीजिए चलेगा, पर वो पैसा किसान तक पहुंचाइए। किसानों से ही जब खरीदते हैं तो उसी समय उसको भी आप जितना ले रहे हैं उतना मान ले दीजिए, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा। 200 रुपए की टिकट है और 250 रुपए का, अरे ठीक है कोई बात नहीं, अरे चुप तो हो जाओ, अच्छी बात है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि खाने पीने की चीजें जो लोग उगाते हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो खाने पीने की चीज महंगी बिके उसमें कोई बुराई नहीं, बस वो पैसा किसान तक पहुंचे, मैं ये कह रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू।